हेलो गाइस, आपके अपने चैनल नेट सेवन नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत में सबसे बड़ा और सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। जैसा कि एग्जामों में अधिकतर देखने को मिलता है कि भारत में यह कौन सी चीज़ सबसे बड़ी है, कौन सी चीज़ लंबी है, ऊँची है या सबसे छोटी चीज़ है, ऐसी चीज़ों पर अधिकतर क्वेश्चन SSC, रेलवे और PSC, बैंकिंग, पुलिस जैसे एग्जामों में देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। यह हमारा पार्ट वन है और पार्ट टू हम अगला लेके आएंगे, जिसमें इसी टॉपिक पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। अगर इसी तरह अच्छी वीडियो की आप लोगों की जरूरत है और अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तैयारी ऐसी जो दिखेगी। तो चलिए टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा होता है? तो भारत में सबसे जो लंबा सड़क पुल है वो है भूपेन हजारी सेतु। इसकी व्याख्या देखते हैं, हर क्वेश्चन का हम इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। भूपेन हजारी सेतु ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन जो हुआ था 26 मई 2017 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह 9.15 किलोमीटर में फैला लंबा सेतु लोहित नदी में बना है। किस नदी पर? लोहित नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है, अर्थात सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर में लगता है। सी इसका राइट आंसर है। सोनपुर का मेला बिहार की सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा अर्थात नवंबर दिसंबर के महीने में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, भारत में सबसे जो है ऊंचा मीनार कौन सा है? सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार, बी का राइट आंसर है। चलिए इसको भी देखते हैं। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी एक भारत की सबसे ऊंची इमारत है। ऊंचाई की बात करें तो 72.5 मीटर है। कितने हैं? 72.5 मीटर। और फिट की बात करें तो 237 फीट 86 इंच है। और व्यास की बात करें तो 14.3 मीटर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 72.5 मीटर। और इसकी जो व्यास की बात करें डायमीटर की, तो 14.3 मीटर है, जो ऊपर का जाकर शिखर पर 2.75 मीटर रह जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। 25 चौथवा, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। वूलर झील के बारे में देखते हैं। वूलर झील जो होती है वो जम्मू कश्मीर के राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है, एक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। किस नदी की? झेलम नदी इसके पानी डालती भी है और फिर आगे निकाल भी लेती है। तो वूलर झील है वो जम्मू कश्मीर में है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आगे चलते हैं, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध जो है भारत में सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध होता है, देश का राइट आंसर है। भाखड़ नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के में सतलुज नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? हिमाचलपुर के सतलुज नदी पर भाखड़ नागल बांध, जो कि एक गुरुत्वीय बांध होता है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सी इसका राइट आंसर, थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उप महाद्वीप में उत्तर पश्चिम भाग में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है, जो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 77,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा का बनाता है। यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा जो रेगिस्तान बांध है और दुनिया में इसका 9वां सबसे बड़ा उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान बांध है। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, डी इसका राइट आंसर है, कैलाश मंदिर।
भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है महाराष्ट्र में एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? इसे ऊपर से नीचे की ओर, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जामा मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण हुआ था 1656 में। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है केटू है। इसका राइट आंसर है, भारत में सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं। गोडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत एक कश्मीर में है, पाक अधिकृत एक कश्मीर में है। भारत में सबसे लंबी सुरंग सड़क कौन सी होती है? तो भारत में चेनानी नासरी सुरंग जो है, चेनानी नासरी सुरंग, भारत में सबसे लंबी सुरंग सड़क चेनानी नासरी सुरंग है। 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। NH-44 पर बनी यह सुरंग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। NH-44 में बनाई है कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग। क्वेश्चन नंबर 11वां है, भारत में सबसे लंबी सुरंग रेलवे कौन सी है? तो पीर पंजाल जो है भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। पीर पंजाल रेल सुरंग जो है यह बनिहाल रेल सुरंग, ये मतलब एक और नाम इसका बनिहाल रेलवे सुरंग, 11.215 किलोमीटर लंबी एक रेल सुरंग है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है, इसलिए इसका नाम पीर पंजाल है। भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। क्वेश्चन 12वां है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से पाया जाता है। यह सुंदरी नामक पेड़ बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाने के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा, भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र राज्य मध्य प्रदेश में है, जिसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो रामेश्वरम कॉरिडोर जो है मंदिर, रामेश्वरम मंदिर का जो कॉरिडोर है सबसे बड़ा कॉरिडोर है। दक्षिण भारत में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर का प्रांगण भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। कौन सा? रामनाथ स्वामी मंदिर का प्रांगण जो लगभग 400 फीट लंबा है। कितना है? 400 फीट लंबा है। यह तमिलनाडु की कन्याकुमारी जिले में स्थित है। कहाँ है ये? तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में। भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा झरना है वो जोग या गर्सोग्पा, बी इसका राइट आंसर है, भारत में सबसे ऊंचा झरना है। क्वेश्चन नंबर 16वां है, भारत में सबसे लंबी बड़ी सुरंग कौन लंबी सड़क कौन सी है? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है भारत की सबसे लंबी सड़क है, सड़क कौन है? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया में सबसे पुरानी और सबसे लंबी मार्गों में एक है। 2 सदियों से अधिक काल से के लिए इस मार्ग में भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिमी भागों को जोड़ती है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ती है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान काबुल तक जाता है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भारत में बुलंद दरवाजा सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा भारत की उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूरी फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दार्शनिक स्थल है, दार्शनिक स्मारक है, सॉरी, बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा, अपने नाम को सार्थक करने वाला। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? अजायब घर, तो ये कोलकाता का अजायब घर भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है। भारत में सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। कौन सा? गोल गुंबद। गोल गुंबद भारत की सबसे बड़ी खुली छतरी है, जिसकी छांव में बीजापुर शहर गर्मी के मौसम में भी सुकून की सांस लेता है।
गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। इस विशाल गुंबद का जो व्यास है वो 44 मीटर है। कितना है? 44 मीटर। ऊंचाई है 51 मीटर। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा ये प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्मारक है, जो भारत की राज्य की गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्काल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को, कब? 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। सी इसका राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, जो कि कहाँ है? मेघालय में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा का कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा, भारत में सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज जो है भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है। हावड़ा भारत में सबसे बड़ा लीवर पुल जो है हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। बी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका नाम है राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश में उत्तर पश्चिमी भाग में बहती है। कहाँ? राजस्थान में उत्तर पश्चिमी भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। किसे? इंदिरा गांधी नहर को। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। तो भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो के हमने देख चुके हैं। इसी टॉपिक पर हम एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो हम इसे इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूं आप सभी का। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। लाइक शेयर करने से क्या होगा कि ये वीडियो आप सब बहुत लोगों तक पहुंचेगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि ये मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी को एक नई डायरेक्शन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ।